सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले इप्का लैबोरेटरीज के बारे में। हाल ही में ये स्टॉक एफएनओ में भी शामिल हुआ है एंड जब से ये स्टॉक एफएनओ में शामिल हुआ है इसमें हमने ज़बरदस्त बाइंग भी देखा। नॉर्मली इप्का लैबोरेटरी इज़ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी। अगर इस कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स चीज़ों को हम डिटेल्स में देखें, सबसे पहले हम टेक्निकल एंड देन फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक कि हम प्रेजेंट प्राइस को देखें, ये स्टॉक आज ऑलमोस्ट 2600 के करीब ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में नियर अबाउट 3% का हाइक है। अगर इसका 52 वीक्स हाई एंड लो देखें, 52 वीक्स हाई 2664 है एंड 52 वीक्स लो 1785 है, यानी स्टॉक अपने 52 वीक्स हाई से थोड़े ही नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट कैप देखें 32,885 करोड़, यानी ये स्टॉक एक छोटी कंपनी तो नहीं है। अगर इसका ईपीएस एंड पी देखिए, ईपीएस 78.87 है, करंट पी 32.90 है, सेक्टर पी 39.88 है, यानी कंपेयरिंग टू इट सेक्टर पी इसका जो वैल्यूएशन है वो एट्रैक्टिव जोन पे है। नाउ अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के हम प्योर टेक्निकल टर्म्स में देखें, तो टेक्निकल टर्म्स में सबसे पहले हम देखेंगे आरएसआई एमएसआई का स्कोर एंड उसके बाद सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज देखेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इसका स्कोर आता है 60, 70 के ऊपर ओवरबॉट, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। सेम इन एमएफआई यानी मनी फ्लो इंडेक्स। टेक्निकली सबसे जो इंपॉर्टेंट जो इंडेक्स होते हैं, या फिर आप ऐसा मान के चल सकते हो जो टेक्निकल एनालिसिस में जो पैरामीटर्स होते हैं वो आरएसआई एंड एमएफआई सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। सो अकॉर्डिंग टू आरएसआई एंड एमएफआई बोथ दिस एस्पेक्ट स्टॉक इज नॉट ओवरबॉट, यानी स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अपसाइड हम देख सकते हैं। अगर रिटर्न की देखें, स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। 1 मंथ में 13%, 3 मंथ में 27%, 6 मंथ में 33% एंड 1 ईयर में 27% के करीब। 3 ईयर्स का रिटर्न सबसे अच्छा है 227%, यानी किसी भी रेट पर आपने स्टॉक में बाइंग किया है आपका आज प्रॉफिट में आना तय है। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी का हम सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें, सो स्टॉक ने 200 डे, 100 डे, 50 डे, 20 डे, 30 डे सिंपल मूविंग एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को बीट किया है। सिंपल मूविंग एवरेज से एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है एंड 20 डे एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज जो सबसे करीबी है वो 2463 है, वहाँ से स्टॉक अभी बहुत ऊपर है। नाउ 200 डे 2114, यानी स्टॉक का जो पैटर्न है बहुत ही बुलिश इंडिकेट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू टेक्निकल पैरामीटर स्टॉक इज वेरी गुड इन दैट पर्टिकुलर वैल्यूएशन एज वेल एंड अगर हम फंडामेंटल इसका वैल्यूएशन भी देखें, पी वाइज भी स्टॉक ओवर वैल्यूड नहीं है। अगर इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखें, सो नेक्स्ट जो इसका रेजिस्टेंस है वो 2580 है, जिसको स्टॉक ने आज ब्रेक किया है। 2560 एंड 2580 इन दो पर्टिकुलर चीज को स्टॉक ने ब्रेक किया है। एज आई सेड स्टॉक आज 74 रुपीज़ ऊपर है, तो स्टॉक ने अपने सारे जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक किया है। नाउ सबसे करीबी जो रेजिस्टेंस है वो 2580। नाउ इट्स अ स्टॉप लॉस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। स्टॉक का प्राइस नियर अबाउट 2600 है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हो तो 2580 का स्टॉप लॉस का आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो। उसके बाद 2562, 2542, या फिर अगर आप वीकली ट्रेडिंग का आपका नजरिया है तो 2562 स्टॉप लॉस इज ऑल्सो नॉट बैड, बट इन दिस काइंड ऑफ स्टॉक आपको बहुत ही क्लोज स्टॉप लॉस रख के काम करना चाहिए। नाउ ये था स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। अब हम जानेंगे स्टॉक के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल चीज़। सबसे पहले जो फंडामेंटल चीज़ आता है वह पीयर्स के साथ इसका कंपैरिजन। अगर हम फार्मास्यूटिकल सेक्टर में देखें तो सन फार्मा इज ऑलवेज द बिगेस्ट कंपनी, देन डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, कैडिला, डिवीज लैब जैसे जाइंट्स कंपनीज है एंड एज आई सेड मेरा फेवरेट तो हमेशा से डिवीज लैब एंड डॉक्टर रेड्डीज हमेशा से ही है। नाउ कैडिला इज ऑल्सो माई फेवरेट, सिप्ला इज ऑल्सो माई फेवरेट, बट इप्का लैब का जो मार्केट कैप है एंड वैल्यूएशन है अकॉर्डिंग टू दिस एस्पेक्ट ये स्टॉक बहुत ही सस्ता है। एंड लुक एट द रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जितने भी कंपनी है सभी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20 से नीचे, बट दिस इज द ओनली कंपनी जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30 के ऊपर है, यानी स्टॉक का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आगे जाके हम रिजल्ट को भी एनालाइज करेंगे, जहाँ पे सन फार्मा का पी भी 32 है। सो अकॉर्डिंग टू इप्का लैब का जो पी है वो बहुत ही एट्रैक्टिव जोन पे है। यहाँ पे टोरेंट फार्मा का 41, पिरामल का 46 या फिर डॉक्टर रेड्डी का 47। सिप्ला का पी भी बहुत ही अच्छा है, बट एट दैट मोमेंट अगर किसी पर्टिकुलर कंपनी के मार्केट कैप को देखें सो इप्का लैबोरेटरीज वेरी गुड एंड हाल ही में ये स्टॉक एफएनओ में शामिल हुआ है तो उसका एक एडवांटेज भी इसको मिल रहा है। ना अगर इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो रिजल्ट बहुत ही शानदार है। जून का रिजल्ट 1566 करोड़ का सेल्स कंपेयर टू 1115 करोड़ का सेल्स। लास्ट फ्यू क्वार्टर्स के देखें सबसे बढ़िया रिजल्ट इसी सेक्टर में कंपनी ने दिखाया है। ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट 414 करोड़, कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा है। लास्ट ईयर जून में भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 587 करोड़। उसके बाद ये सेकंड बेस्ट है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 377 करोड़ जो कि 192 लास्ट क्वार्टर में था। नेट प्रॉफिट 307 करोड़ अगेंस्ट 161 करोड़ एंड दिसंबर क्वार्टर में भी 265 करोड़ का था। सो अकॉर्डिंग टू रिजल्ट बहुत ही अच्छे इन दिस पर्टिकुलर कंपनी। सबसे लास्ट में हम जानेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न या फिर कंपनी में प्रोमोटर्स एंड एफआई का कितना स्टेक है। प्रोमोटर्स के पास 46% के ऊपर का स्टेक है, एफआई के पास 17%, डीआई के पास 25% एंड पब्लिक होल्डिंग 10%। मैं हमेशा से कहता हूँ किसी कंपनी का एफआई से डीआई का होल्डिंग बेहतर है तो उसे मैं ज़्यादा अच्छा कंपनी बोलूँगा, क्योंकि डीआई में डोमेस्टिक जो म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक इंश्योरेंस कंपनी शामिल है एंड वो अपने इन्वेस्टर को ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न देने में ज़्यादा बिलीव करते हैं एंड अगर उनका स्टेक किसी कंपनी में ज़्यादा है तो ऑब्वियसली उनका रिसर्च बहुत ही डेप है। सो 25 का जो डीआई का होल्डिंग है बहुत ही पॉजिटिव साइन है। पब्लिक होल्डिंग इज ऑल्सो गुड। सो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक इज गुड। सो ये था इप्का लैब को लेकर एक टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल वाइज वैल्यूएशन वाइज कंपनी सस्ता है, रिजल्ट अच्छे है, पीएस के साथ कंपेयर करें उसमें भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा है एंड टेक्निकली भी स्टॉक ओवरबॉट जोन पे नहीं है। हालांकि स्टॉक अपने 52 हाई के करीब है, फिर भी स्टॉक में अभी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल ग्रोथ एंड अपसाइड बाकी है। तो इस स्टॉक में आप लॉन्गर हॉरिजन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। ये एफएनओ में आ गया है तो नॉर्मली वोलेटिलिटी इसमें रहेगी। अगर आप एक ट्रेडर हो एज आई सेड जो नियर अबाउट स्टॉप लॉस है आप उसको एज अ स्टॉप लॉस लगा के भी स्टॉक में पोजीशन बना सकते हो। ये था स्टॉक को लेकर एनालिसिस। वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।